दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि मुकेश सहनी को अपने पीछे पीछे घुमाएंगे। हम जागरूक हुए, पढ़े लिखे और अपने आप मजबूत हुए। उसी तरीके से आप सभी को, अपने परिवार के, अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदार को, नाता को, हर किसी को आप लोगों को पढ़ाना लिखाना है। दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि मुकेश सहनी को अपने पीछे पीछे घुमाएंगे। हम जागरूक हुए, पढ़े लिखे और अपने आप मजबूत हुए। उसी तरीके से आप सभी को, अपने परिवार के, अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदार को, नाता को, हर किसी को आप लोगों को पढ़ाना लिखाना है। और अपने माँ बाप को हर संभव आपको उनको आशीर्वाद लेते रहना है और उनके सेवा में हमेशा लगे रहना है। कभी कभी आज माता पिता आपके साथ है, आप उसको ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन जब आपके पास नहीं रहेंगे तब आपको बहुत अफसोस होगा कि हम अपने माँ बाप को सेवा नहीं कर पाए। हो सकता है आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन उन्होंने ही आपका संसार में लाया है और उनके लिए हमेशा आपको जागरूक रहना है। हम पूरे बिहार में घूम रहे, देख रहे हैं, हमारा समाज बहुत गरीब है, पिछड़ा है। वो अपने कोशिश तो उसका बहुत है कि अपने परिवार को आगे लेके चले, लेकिन नहीं लेके जा पाते। इसलिए जब आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा तो काबिल हो जाएगा। आज पढ़े लिखे लोग, आज मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जहां पे भी जाइए, उसका कम से कम नौकरी मिलेगा 15 से 20 हजार रुपया महीना। कम से कम नौकरी होगा, 15 से चालू होगा, लेकिन वही पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका 7-8 हजार रुपया से नौकरी स्टार्ट होगा। जबकि पढ़ा लिखा आदमी हो या बेगर पढ़ा लिखा आदमी हो, खाना उतना ही खाएगा जितना पढ़ा लिखा खाएगा। यानी कि आपकी जिंदगी में खर्चा उतना ही है लेकिन इनकम कम है, तो इनकम कम है तो कैसे घर चलाइएगा। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे जगह पे हमारे लोग अपने बच्चे को इलाज नहीं करा पाते। आज इलाज के अभाव में हमारे लोग तरफ तरफ के मर जाते हैं। तो इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए और संगठित रहिए। आपका देश में पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो उसका बड़ा बेटा को राजा बनाया जाता था, लेकिन 1947 के बाद हमें संविधान मिला, लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा वोट है वही व्यक्ति चुनेगा कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा और हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारे लोकसभा क्षेत्र का सांसद कौन होगा, हमारे क्षेत्र का विधायक कौन होगा, हमारे पंचायत का मुखिया कौन होगा, हमारे वार्ड का सरपंच, वार्ड मेंबर कौन होगा। और आप सबको पता है कि जिनके पास ये पावर आ जाता है वो देखते हैं उनके पास कितना पावर होता है। आपके गाँव में मुखिया होगा, सरपंच होगा,